खाने दिल को ज़ियादे रोए इमा को जमाल शहे ज़िया मौला जमालुल औलिया के वास्ते। दोस्तों आज की सुलू में हम शहंशाह विलायत ताजेदारे अरबाबे विलायत हजरत काजी ज़ियाउद्दीन अहमद उर्फ शेख ज़िया रहमत रिजवान के हवाले से अर्ज कर रहे हैं। आप सिलसिले आलिया कादरिया रिजविया के 28वें इमाम शेख तरीकत हैं। आप हजरत शेख निजामुद्दीन शाह भिखारी अला रहमत रिजवान के मुरीद व खलीफा हैं। आप अहवाले तोबा व इबादत पर तसरुफ रखते थे। आपने उलूमे ज़ाहिरी हजरत शेख वजीउद्दीन गुजराती अलवी अला रहमत रिजवान से हासिल फरमाई और उलूमे बातिन में हजरत शेख मोहम्मद बिन यूसुफ कुरैशी बुरहानपुरी अला रहमत रिजवान की बारगाह में हाजिरी देकर इक्तिसाब इल्म फन किया। आप सिलसिले कादरिया से बैत रखते थे और ये वास्ता आपको सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुँचता है। हज़रत शाह तुराब अली कलंदरी अला रहमत रिजवान अपने शोरा आफाक तसनीफ कशाफुल मुतवारी में आपके मुतालिक तहरीर फरमाते हैं कि आप साहब तहकीक व साहब बातिन व साहब कशफ करामत थे। हजरत शेख ज़िया अला रहमत रिजवान की विलादत कस्बा न्यू तनी जिला लखनऊ में 925 हिजरी को हुई और आपका इस्मी ग्रामी ज़ियाउद्दीन उर्फ शेख ज़िया है। आपके वालिद माजिद का नाम हजरत सुलेमान बिन सलोनी उस्मानी रज़ियल्लाहु अन्हु है। आपकी तालीम तरबियत घर पर ही हुई, उसके बाद आपने गुजरात का सफ़र फरमाया और वहाँ हजरत अल्लामा वजीउद्दीन शाह गुजराती अलवी अला रहमत रिजवान की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे उलूम दीनिया हासिल की। इसी दौरान तालीम हजरत अल्लामा वजीउद्दीन गुजराती अला रहमत रिजवान ने अपनी लड़की का अक़द आपसे कर दिया। आप कस्बे इल्म के गर्ज से कम उम्री ही में अपने वतन से निकले और अहमदाबाद गुजरात के जंगलों में राह भूल गए और उस वक्त हजरत खिजर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आपसे फरमाया तुमको 40 रोज तक मेरी खिदमत में रहना होगा। चुनांचे आपने बरअज़ा व खुशी इस बात को कबूल कर लिया और 40 दिन तक हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहने का शर्फ हासिल किया और उन 40 दिनों में आपको जमी उलूमे ज़ाहिरी व बातिनी से आरास्ता किया गया। हजरत शेख ज़िया अला रहमत रिजवान ने हजरत शेख निज़ामुद्दीन भिखारी अला रहमत रिजवान से खिरक़े खिलाफत हासिल किया। हजरत शेख निज़ामुद्दीन भिखारी अला रहमत रिजवान ही हजरत शेख ज़िया अला रहमत रिजवान के पीर तरीक़त और रूहानी पेशवाए आज़म हैं। हजरत शेख ज़िया अला रहमत रिजवान ने ज़ियारत हरमैन तैयबैन भी फरमाई थी और आप ज़ियारत हरमैन शरीफ़ैन के बाद हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और अपने शहर में वापस आकर उलूम व मारिफ के दरिया बहाए और आपकी ज़ाती बाबरकात से तहसील उलूम इस्लामिया के अलावा कसीर अफराद रुश्द व हिदायत हासिल करके इस्लाम के सच्चे वफादार बनकर ज़िंदगियाँ गुजारे। आपके साहबजादों की तादाद 4 है जिनके असमा कुछ यूँ हैं: हज़रत मोहम्मद फजील, हज़रत अबुल खैर, हज़रत मुक्तदिर, हज़रत मोहम्मद फजलुल्लाह अला रहमत रिजवान। आपके खुलफाए इकराम में हजरत शेख जमाल रज़ियल्लाहु अन्हु का तस्करा अक्सर जगहों पर पाया जाता है। आपका विसाले मुबारक 21 रजबुल मुरज्जम 990 हिजरी को हुआ। आपके मजार मुकदस कस्बा न्यू तनी जिला उन्नाव में वाकई है। हमारी दुआ है कि रब्बी कदीर आपके कब्र अनवर पर रहमत अनवर की बारिश नासिल फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। तस्करे मशाइख कादरी अला रहमत रिजवान मुकम्मल सूरत में आपके सामने पेश कर चुके हैं। इसको पढ़ने और तस्करे मशाइख़ कादरिया को देखने के लिए प्ले स्टोर पर तस्करे मशाइख़ कादरिया बरकात रज़विया नाम से एक एप्लीकेशन है, उसको लाजमी तौर पर इंस्टॉल करें जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं।